अब रुख करते छतरपुर का, जहां जिले के बक्सवाहा में हीरे का भंडारण मिलने के संकेत मिलने से स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं पर्यावरण प्रेमी इसके लिए लाखों पेड़ काटे जाने का विरोध भी कर रहे हैं। उधर क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रद्युम्न सिंह लोधी का कहना है कि जितने पेड़ कटेंगे उससे चार गुना पेड़ हम लगाएंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बक्सवाहा क्षेत्र में, जहां पर जानकारी के मुताबिक यहां करोड़ों अरबों के हीरो का भंडारण मिला हुआ है, और जिसके भंडारण पाने के लिए लाखों पेड़ों की बलि भी चढ़ाई जानी है। ऐसा देखा गया है कि यहां पर लोगों का विरोध भी है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि पेड़ काट रहे हैं, हम पेड़ लगाएंगे भी, लेकिन हम लोगों को रोजगार भी चाहिए। अगर एक कंपनी इधर आती है और हीरा भंडारण का कार्य करती है तो हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम उनसे जानते हैं आखिर क्या हमको जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृपाल यादव। जी, किस प्रकार से कंपनी आ रही है, किस प्रकार से यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं, विरोध नहीं, हम तो यही चाहेंगे कंपनी आए, हम लोगों को रोजगार मिले, जिससे कि हमारा विकास भी हो सके और हम लोगों को सभी लोगों को रोजगार मिल सके। जो यहाँ पे विरोध करने आ रहे उनके लिए क्या कहना है? उनसे वो सब क्या बोलते, विरोधी है, बाहर के हैं सब विरोधी, बाहर वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि यहाँ का क्षेत्र विकास नहीं हो सके, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं, उनका उनको मन में एक खुशी जाहिर हो रही है कि यहाँ के बाहर की कंपनी जो आएगी यहाँ पे हम लोगों को रोजगार मिलेगा, और हीरा का जो वृक्ष काटे जा रहे हैं उसके दोगुने कीमत पे, जो जितने वृक्ष काटे जाएंगे उससे दोगुने वृक्ष भी लगाए जाएंगे और हम लोगों को रोजगार ही मिलेगा। छतरपुर से राधेश्याम सोनी, DNN।